जाए तो मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड से ज्यादा बायोपिक्स कहीं और देखने को मिलेंगी। तो आने वाले साल में भी एक बायोपिक ही हमें देखने को मिलने वाली है। तो आखिर कौन नजर आने वाला है उस बायोपिक में, किसकी बायोपिक होने वाली है साल 2021 में आने वाली फिल्म गणपत चैप्टर 1। तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ, जहाँ आज हम बात करेंगे गणपत चैप्टर 1 की। बॉक्सिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसके खिलाड़ियों को ज्यादा नाम और शोहरत नहीं मिलती है। जी हाँ, ये बात बहुत कड़वी है लेकिन सच है। इस खेल की कदर हमारे देश में ज्यादा नहीं थी, लेकिन जब बॉलीवुड ने बॉक्सिंग को फिल्मों के जरिए दिखाना शुरू किया तो इस खेल को पहचाना जाने लगा और इस खेल की अहमियत लोगों को समझ आने लगी। बॉलीवुड में 90s के दशक से बॉक्सिंग पर फिल्में बनने लगी। बॉलीवुड में अभी तक 34 फिल्में बॉक्सिंग पर बन चुकी हैं। फिल्म बॉक्सर साल 1984 में बनाई गई फिल्म थी, जिसमें हमें मिथुन चक्रवर्ती का उम्दा प्रदर्शन देखने को मिला। इस फिल्म के बाद बॉलीवुड में कई सारी फिल्में बॉक्सिंग पर बनने लगी। और अगर मैं बॉक्सिंग पे बनी फिल्म की बात कर रही हूँ तो मेरे हिसाब से अभी आपके दिमाग में एक सबसे सुपरहिट बॉक्सिंग की फिल्म का ख्याल या फिर शायद उस फिल्म में काम करने वाली अभिनेत्री का ख्याल जरूर आ रहा होगा। मैं बात कर रही हूँ प्रियंका चोपड़ा की फिल्म मैरी कॉम। इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा का प्रदर्शन बहुत ज्यादा उम्दा था और ये ही नहीं, उस फिल्म में उनका फिजिक एकदम बॉक्सर जैसा था। स्पोर्ट्स फिल्में ऐसी फिल्में होती हैं जिसमें एक एक्टर को स्पोर्ट्स करने की एक्टिंग नहीं बल्कि उसे सच में स्पोर्ट्स करना पड़ता है। और ना ही सिर्फ स्पोर्ट्स सीखना बल्कि वो फिल्म में जिसका किरदार निभा रहे हैं उस स्पोर्ट को उसकी तरह खेलना, उसकी तरह उस स्पोर्ट्स को दिखाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है और ये काम दोस्तों बहुत मुश्किल भी होता है। इसका मतलब एक्टर्स को एक स्पोर्ट्स फिल्म में काम करने के लिए अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदलनी पड़ती है, अपने पूरे फिजिक पर काम करना पड़ता है। ऐसी ही एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म साल 2022 में हमारे लिए पर्दे पर आने वाली है और मैं बता दूं उस फिल्म का नाम है गणपत चैप्टर 1। अभी तक जितनी स्पोर्ट्स फिल्में हम सभी ने देखी हैं तो हम सभी की आने वाली स्पोर्ट्स फिल्मों से जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ गई है। तो वहीं अगर इस फिल्म में एक्टर की बात की जाए तो एक्टर का प्रदर्शन देखने के लिए तो मुझे लगता है सबका लेवल हाई सेट हो चुका है। फिल्म गणपत चैप्टर 1 एक ऐसी फिल्म है जो फिल्म एक मुंबई के लड़के के इर्द गिर्द घूमती है और इस फिल्म में एक लड़का जो पहले आम लड़का, साधारण सा लड़का हुआ करता था, उसकी आम लड़के से बॉक्सर बनने की जर्नी दिखाई गई है। इस फिल्म में जो लीड रोल में होंगे वो हैं टाइगर श्रॉफ। जी हाँ, अभी तक के सबसे बेस्ट स्टार के टाइगर श्रॉफ को भला कौन नहीं जानता। टाइगर श्रॉफ दुनिया भर में फेमस हो चुके हैं। जहाँ फिल्म इंडस्ट्री का दरवाजा टैलेंट के लिए खुला हुआ है, वहीं साल 2014 में टाइगर ने इसी दरवाजे के थ्रू फिल्म जगत में एंट्री की थी और उस परफॉर्मेंस के बाद टाइगर श्रॉफ का नाम भी जैसे फिल्म जगत में आग की तरह फैल गया। टाइगर श्रॉफ ने अभी तक अपने करियर में 8 फिल्में की हैं, जिसमें से वो हमें 3 फ्लॉप भी दे चुके हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान अपने फेलियर से सीखता है, तो इस बात का मतलब तो टाइगर श्रॉफ ने बड़े अच्छे से हम सभी को समझाया। टाइगर श्रॉफ अपने फेलियर्स के चलते रुके नहीं, उन्होंने उसके बाद हमें लगातार सुपरहिट और यही नहीं ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दी। उनकी एक्टिंग, उनके एक्शन और उनके डांस के तो मानो सभी फैंस हो गए। स्टार किड्स के लिए तो जैसे फिल्म जगत में आना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन अपनी उस जगह को कायम रखना वो एक मुश्किल टास्क है। लेकिन टाइगर श्रॉफ ने उस टास्क को भी बखूबी किया। और ऐसा नहीं है कि टाइगर के लिए जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आए तो सारी चीजें आसान थी। जी नहीं, टाइगर श्रॉफ को जैसा हम सभी जानते हैं बहुत ट्रोल किया गया। उन्हें उनके नो बियर्ड लुक के लिए काफी मजाक का जरिया बनाया गया। टाइगर श्रॉफ पर लोग हंसे, उनका मजाक बनाया, उनको ट्रोल किया, लेकिन इस सब के बावजूद टाइगर श्रॉफ नहीं रुके, उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी। तो जब वो फिल्म बागी में नजर आए, उनका लुक, उनका फिजिक, सब कुछ फिल्म हीरोपंती के मुकाबले डबल हो चुका था। लोगों की आंखें उनकी एक्टिंग ही नहीं, उनके फिजिक, उनके पूरे लुक को देखकर फटी रह गए। इतना ही नहीं, टाइगर का नाम इतने कम समय में हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में आता है। इस लिस्ट में जहां पुराने बॉलीवुड स्टार्स भी नहीं पहुंचे हैं, वहां टाइगर ने इस लिस्ट में अपना नाम 6 साल के अंदर अंदर पहुंचा दिया।
यही नहीं, टाइगर का नाम इंडिया की सबसे बड़ी मैगजीन यानी कि फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में भी लिखा गया है। वहीं साल 2021 में टाइगर की आने वाली सभी फिल्में एक से बढ़कर एक होने वाली हैं। हर फिल्म में टाइगर का अलग रूप दिखने वाला है। फिल्म गणपत का एक मोशन पोस्टर सामने आया है, उस पोस्टर को देखें तो टाइगर की टफनेस का अंदाजा साफ लग रहा है। पोस्टर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए टाइगर ने कहा कि उनके लिए ये फिल्म बहुत स्पेशल फिल्म है। फिल्म में दोस्तों एक्शन तो होगा ही, साथ साथ मुक्केबाजी भी देखने को मिलेगी। फिल्म को उस शिखर पर ले जाने के लिए टाइगर श्रॉफ फुल मेहनत कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अपने वर्कआउट वीडियोस भी शेयर किए हैं। लेकिन उनकी इन वर्कआउट वीडियोस में कुछ तो अलग है, तो आइए मैं आप सभी को बता दूं कि अलग क्या है। टाइगर के इन वर्कआउट्स में पिछले वर्कआउट से अलग ये बात है कि टाइगर एक रफ और एक टफ किरदार में आने वाले हैं, तो वो अपनी बॉडी को उसी किरदार में ढालने के लिए एक स्पोर्ट्समैन की बॉडी बनाने में लग गए हैं। फिल्म के डायरेक्टर विकास बहल भी अपनी फिल्म क्वीन के लिए फेमस है, तो उनके लिए भी एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म बनाना एक काफी नया प्रोजेक्ट होने वाला है। तो ये चैलेंज सिर्फ टाइगर श्रॉफ के लिए ही नहीं बल्कि डायरेक्टर विकास बहल के लिए भी है। वैसे तो इस फिल्म के मेकर्स के लिए बेस्ट और फर्स्ट चॉइस टाइगर श्रॉफ थे, लेकिन इस फिल्म की एक्ट्रेस को लेकर अभी तक मेकर्स दुविधा में हैं। तो मुझे लगता है कि शायद टाइगर की ऑफ स्क्रीन लेडी उनके साथ इस फिल्म में हम सभी को नजर आने वाली है। तो आप सभी की तरह हम सभी को भी इस खबर का इंतजार रहेगा। अगर आपको इस फिल्म से जुड़ी और जानकारी हासिल करनी हो तो हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं जैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा।